Hello students, good morning. Welcome back in the e-classes of Learners Academy English School. In the previous video, we discussed about lithosphere and hydrosphere. Now, today we will continue next sphere and it is a atmosphere. Atmosphere. The earth is surrounded by a layer of gases up to the approximately height of the 850 to 1000 kilometer. The layer of various gases is called atmosphere. जो गैस का लेयर है ना, अप्रोक्स 850 टू 1000 किलोमीटर उसकी हाइट है, उस वेरियस गैसेस जो अर्थ के सराउंडिंग है उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर. ठीक है. द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी सी विथ द नेक्ड आईज. हम उसको नहीं देख सकते हैं. द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी सीन. वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स, salt particles and even microorganisms, insects are mixed with the atmosphere. ये सब चीज़ें atmosphere में mix होती हैं. ठीक है. Atmosphere is colorless, odorless and tasteless as well as transparent. जो atmosphere है उसका कोई color नहीं है, कोई हम कहते हैं ना सुगंध, गंध वो भी नहीं है, मीन कोई खुशबू वगैरह भी नहीं है, ना ही बदबू है. एंड टेस्टलेस, कोई टेस्ट भी नहीं है, एज वेल एज ट्रांसपेरेंट है. एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मैटर. मेजर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन एक्सेट्रा. द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज डेंस. देखिए, मेजर गैस, बहुत सारे गैसेस है ना एटमॉस्फेयर में मिक्स हैं. कौन कौन से गैसेस हैं? एक तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन. ये सारे जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में मिक्स है, ये मेजर गैस है. ठीक है. और जो एटमॉस्फेयर है ना वो नियर का है, अर्थ के सरफेस के नियर है, तो वो भी बहुत ही थिक है. ठीक है. सी स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल है उसमें डिफरेंट काइंड के गैसेस का रेशियो दिखाया हुआ है. नाइट्रोजन 78.03%. देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है इस सर्कल में, वो क्या है? नाइट्रोजन गैस का पार्ट. मीन्स नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है. नाइट्रोजन के बाद किसी का नंबर है तो वो है ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर, 20.99%. और जो ये पिंक कलर दिख रहा है वो है ऑक्सीजन के लिए. एज वेल ऑर्गन जो है वो ऑरेंज कलर में 0.94%. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन कलर 0.03%. एंड अदर गैसेस जो है वो 0.01% हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में. ठीक है. सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन. क्लियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस बात को. ठीक है. एज वी गो अबाउट, द अर्थ सरफेस रेशियो ऑफ द मोस्ट ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस. जैसे ही हम अर्थ का जो सरफेस है उससे थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो ये गैसेस का जो रेशियो है, जो हमको गैस दिख रहे हैं, वो धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं. ठीक है. सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवी गैस, इट इज डेंस इन द लोअर स्ट्राटा ऑफ एयर एंड डिक्रीज इन द अबाउ स्ट्राटा. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हैवी गैस है, लोअर स्ट्राटा में वो बहुत ही मतलब एकदम डिक्रीज में ही रहता है. जैसे हम अबव जाएंगे, ऊपर ऊपर हाइट में जाएंगे, तो वो और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा. क्यों ऐसा? क्योंकि वो उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है. किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की. ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर्स, ऑक्सीजन आफ्टर द हाइट ऑफ 110 किलोमीटर्स एंड नाइट्रोजन आफ्टर द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 130 किलोमीटर्स इज सीन डिक्रीजिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स. देयर आर ओनली लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम. से स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर में वेरियस गैसेस है उसकी हाइट दिख रही है, तो जो अदर गैसेस में आया जो वो सबसे डाउन में है. देखो 0 किलोमीटर लिखा है, वहाँ पे सबसे डाउन में जो गैसेस है वो हो अदर गैसेस. ठीक है.
फिर उसके बाद देखिए ग्रीन कलर, ग्रीन कलर हमने आगे वाले इमेज इसमें देखा था, आगे वाले इमेज में था ग्रीन कलर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड की हाइट है वो डिक्रीज होती है कहाँ पे, 20 किलोमीटर। तो देखिए स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर लिखा है और वहाँ से ग्रीन कलर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ओवर हो रहा है, ठीक है। मीन्स उसके बाद वो ऊपर ज़्यादा कम होता जाएगा, जैसे हम अबव हाइट में चढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होगा। उसके बाद 110 किलोमीटर्स, 110 किलोमीटर्स के यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। देखिए पिंक कलर में ऑक्सीजन, फिर अबव 110 किलोमीटर हाइट जा रहे हैं तो वहाँ पे नाइट्रोजन, वहाँ पे आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। द रेशियो ऑफ ओजोन गैस इन द एटमोसफियर इज वेरी लेस, दिस गैस अब्सॉर्ब अल्ट्रावायोलेट रेस ऑफ द सन एंड प्रोटेक्ट द प्लेनेट फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन, दिस गैस मोस्टली प्रिवेल्स इन द ओपन ग्राउंड एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। सी स्टूडेंट्स, ओजोन गैस का रेशियो है वो एटमोसफियर में बहुत ही कम है, और जो ओजोन गैस है उसका मेन काम क्या है, ओजोन है ना वो अल्ट्रावायोलेट रेस, बहुत ही जो रेस आ रही हैं सन से, उनसे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उसको वो प्रोटेक्ट करता है किससे, अल्ट्रावायोलेट रेस से, फ्रॉम द सन। और ये जो गैस है वो ज़्यादातर जो ओपन ग्राउंड है वहाँ पे प्रिवेंट होता है, कहाँ कब होता है, एट द मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। इन द सेम वे इट्स रेशियो इज मोर इन द एयर अराउंड द सी सोर, और जो सी सोर एरिया है वहाँ पे उसका रेशियो है वो ज़्यादा रहता है। दैट इज़ वाई पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक इन द सच प्लेसेस बिकॉज ओजोन इज हेल्थियर गैस, और बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, और ज़्यादा तो देखिए हम पिक्चर में या कहीं पर भी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए ज़्यादातर लोग ओपन ग्राउंड एरिया में और जो सी सोर एरिया है उस साइड जाते हैं, ठीक है। उसका रीज़न ही यही है कि वहाँ पे ओजोन गैस का जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है, और वो ह्यूमन बींग हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अभी क्या आप बता सकते हैं कि जो लोग माउंटेनियर्स हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन की बोतल लेके जाते हैं, क्यों माउंटेनियर ऑक्सीजन बोतल क्यों लेके जाते हैं? इसका रीज़न ये है कि जैसे हाइट पे जाएंगे तो हाइट पे जो ऑक्सीजन है उसका रेशियो ऑक्सीजन वो कम हो जाएगा, और ह्यूमन बींग को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो उसके लिए वो अपने साथ ऑक्सीजन बॉटल्स लेके जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ड्यू टू द वेरियस पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर सनलाइट इज सीन स्प्रेडिंग ऑन द अर्थ, इट डज नॉट बिकम डार्क और ब्राइट सडनली। सी स्टूडेंट्स, एटमोसफियर है ना उसमें जो वेरियस पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से ही जो सनलाइट है वो पूरे अर्थ पे स्प्रेड होती है, ठीक है। और देखिए अचानक से ही अंधेरा हो गया, अचानक से ही रोशनी आ गई, ऐसा नहीं होता है, सडनली कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे ये प्रोसेस है वो चलती रहती है। स्काई कलर्स ऑफ डाउन बिफोर सनराइज एंड डस्क आफ्टर सनसेट आर बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। मॉर्निंग में हम बोलते हैं कि सुबह हो गई है, तो जो भी सनराइज होता है उसके टाइमिंग में जो स्काई का कलर है, और सनसेट के बाद हम बोलते हैं शाम हो गई है, और जो सनसेट का कलर है वो है क्यों है, बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल। ये कलर चेंजेस डस्ट पार्टिकल की वजह से होते हैं, ठीक है। द रेज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स एंड वी गेट सनलाइट, और जो सन रेज होती है वो भी रिफ्लेक्ट होती है, पूरे अर्थ पे पहुंचती है सनलाइट, ठीक है, क्यों, वो भी डस्ट जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके थ्रू ही ऐसा होता है। साउंड कैन बी हीयर्ड विद द मीडियम ऑफ एटमोसफियर, द वेव्स ऑफ साउंड एंड लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमोसफियर एंड रिटर्न्स टू द अर्थ सर्फेस, सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो एंड टेलीविजन बिकम पॉसिबल। सी स्टूडेंट्स, साउंड की जो वेव्स हैं और जो लाइट के जो वेव्स हैं वो एटमोसफियर में रिफ्लेक्ट होती हैं और अर्थ के सरफेस की तरफ रिटर्न होती हैं, ठीक है। और इसके लिए ही हम टीवी या रेडियो पे जो देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं या मूवीज़ जो भी देख रहे हैं, वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जो लाइट और साउंड की जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं एटमोसफियर में और अर्थ के सरफेस पे रिटर्न होती हैं, ठीक है।
इसके लिए ही टेलीविजन और रेडियो पे जो हम देख रहे हैं वो पॉसिबल है। हेवनली ऑब्जेक्ट सच एज ए मेटोराइट्स बर्न ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एटमोसफियर एंड गेट डैमेजेस। हमने ये चैप्टर में पढ़ा था जो मेटोराइट्स है वो बर्न हो जाते हैं जैसे ही एटमोसफियर में आते हैं, वहाँ पे उनका फ्रिक्शन होता है, वो एटमोसफियर में आकर टकराते हैं और बर्न हो जाते हैं। कौन? मेटोराइट्स। ठीक है। दस एटमोसफियर प्रूव्स एज ए नेचुरल शील्ड फॉर द अर्थ। इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एटमोसफियर है वो नेचुरली ही अर्थ की रक्षा करने के लिए, अर्थ का सुरक्षा के लिए बनाया हुआ है और अर्थ पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है ड्यू टू एटमोसफियर। दस एटमोसफियर प्रूव्स एज ए नेचुरल शील्ड फॉर द अर्थ। जो एटमोसफियर है वो नेचुरली ही ढाल बनी हुई है अर्थ की। नाउ नेक्स्ट वन इज बायोस्फियर नंबर 4। द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट लाइक लिथोस्फियर एटमोसफियर एंड हाइड्रोस्फियर वेर एवर लिविंग बींग इज सीन अलाइव इज कॉल्ड बायोस्फियर। लिथोस्फियर हो, एटमोसफियर हो या हाइड्रोस्फियर, इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करें तो जहाँ पे हमको लिविंग लाइफ, जहाँ पे इंसान अलाइव है उसको हम कहेंगे बायोस्फियर। बायोस्फियर इज कंप्राइज ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म। दिस लिविंग स्फियर इंक्लूड्स ह्यूमन वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ। बायोस्फियर है ना, उन सबको शामिल, अलग अलग तरह की वेराइटीज की जो लाइफ है उसको कंप्राइज करता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? ह्यूमंस भी, वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। लिविंग बींग ऑन द अर्थ सरफेस गेट्स फूड फ्रॉम बायोस्फियर। बायोस्फियर से ही जितने भी इंसान लिविंग है अर्थ पे, उन सबको जो फूड है, उनका खाना पीना सब बायोस्फियर की वजह से ही मिल रहा है। ऑर्गेनिजम्स ऑफ बायोस्फियर प्रोवाइड वेराइटी ऑफ फूड एंड रॉ मटीरियल्स टू द ह्यूमन वर्ल्ड। दस एग्जिस्टेंस एंड सब्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन बायोस्फियर। बायोस्फियर पे ही डिपेंड है ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो जो ह्यूमन लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है, जो वो उनका अस्तित्व है, वो जो जिंदा है और वो अपना जीवन जी रहे हैं अच्छे से, उसका रीजन है बायोस्फियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। बायोस्फियर इज मोस्टली इन द बैलेंस्ड कंडीशन बट व्हेन ह्यूमन डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम देन ओनली मेनी प्रॉब्लम्स अराइज। जो बायोस्फीयर था वो बैलेंस कंडीशन में था बट जब से ही ह्यूमन ने उस कंडीशन को डिस्टर्ब किया है, उसे सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, उसके बाद जो सारी चीज़ें इक्वल बैलेंस पे चल रही थी वो सिस्टम अभी बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया है और उसकी वजह से अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। नेचुरल फूड चेन इज एट रिस्क बिकॉज डेवलपमेंट इज बींग डन बाय एक्सप्लोइटिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बिगाड़ के, इन्वायरमेंट को ख़राब करके जो डेवलपमेंट चल रहा है अभी के टाइमिंग में, मीन्स जो फॉरेस्ट हैं उनकी जगह पे, जो फार्म है उनकी जगह पे भी न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है, और जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो गई है। फूड चेन आप पहले पढ़ चुके हैं, मीन्स जैसे जो ग्रास है उसको हर्बीवर्स एनिमल्स, हर्बीवर्स को कार्निवर्स, कार्निवर्स को ओमनीवर्स, ये ऐसे जो फूड चेन थी कि उनको ये खाएगा इसको ये, तो वो फूड चेन भी पूरी डिस्टर्ब हो गई है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इन्वायरमेंट को बिगाड़ के, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं और ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट कर रहे हैं। दिस कंडीशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग एज वेल एज फॉर इन्वायरमेंट। देखिए, ये ह्यूमन के लिए तो ये कंडीशन जो है वो हार्मफुल है ही, बट इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल ही है। सो एज ए ह्यूमन बींग इट इज़ आर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी ड्यूटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो क्या है? प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। ठीक है।